डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी के प्रक्रिया में कलेक्शन कर लिया डेटा का, उसका वर्गीकरण कर लिया, उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब जो रिप्रेजेंट डेटा है, जरूरी है कि उसको एनालाइज भी कर लिया जाए। रिजल्ट को निकालने के लिए जो भी समंग हमारे पास है, उन समंगों का अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के लिए गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम गणितीय विधियों की बात करते हैं सांख्यिकी में, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है समांतर माध्य, यानी कि अर्थमेटिक मीन। नॉर्मली इसको औसत के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य को हम क्या बोलते हैं? औसत भी बोलते हैं। ये मैथमेटिकल औसत होता है सांख्यिकी के अंतर्गत, जहाँ पर समंकों के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। हमें ये पता करना पड़ता है कि जो रिजल्ट हमारे पास है वो रिजल्ट किस प्रकार से है, जो वेरिएशन है, आंकड़े हमने बनाए हैं, जो सीरीज बनाया है वो किस प्रकार का बनाया है, क्या एक प्रॉपर एवरेज लिया गया है या नहीं लिया गया है। जैसे आपसे कहा गया, भाई आपकी क्लास टेंथ में कितने हैं, कहते 70%। तो क्या हर सब्जेक्ट में 70% आए होंगे? नहीं, 70% हर सब्जेक्ट में नहीं आए। किसी में हो सकता है 70 से ज़्यादा आया होगा, किसी में हो सकता है 70 से कम होगा, लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं अपना रिजल्ट बताने के लिए एक विश्लेषण देते हैं कि 70% आ गया, जो कि एक एवरेज होता है। और एवरेज एक मैथमेटिकल टूल है जो कि सांख्यिकी के अंतर्गत चीज़ों को, रिजल्ट को बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बात करना है समांतर माध्य के बारे में, समांतर माध्य क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं, वो भी व्यक्तिगत श्रेणी में, क्योंकि सांख्यिकी के अंतर्गत जब वर्गीकरण बताया गया था, मैंने बताया था कि जो सीरीज होता है, जो श्रेणियाँ होती हैं, वो तीन प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। जहाँ पर हम आज व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती हैं और समांतर माध्य कैलकुलेट करने की कई सारी विधियाँ होती हैं, और जहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई समांतर माध्य होता क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन नॉर्मली, जैसा कि मैंने कहा, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है एवरेज, यानी कि औसत, जो कि समांतर माध्य सबसे सरल और लोकप्रिय होता है कैलकुलेट करने के लिए, और ये इस औसत शब्द के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसकी गणना करने के लिए जो भी आंकड़े दे रखा होता है उन आंकड़ों का कुल योग कर लेते हैं, और जो भी आंकड़े दे रखे उनकी संख्या से इसको भाग कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसी को हम औसत बोलते हैं, और यही औसत हमारा माध्य है। नॉर्मली जो अर्थमेटिक मीन होता है, माध्य होता है, उसको शो किया जाता है एक्स बार करके। ये जो है अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य का प्रतीक चिन्ह है, जिसके माध्यम से इसको पहचाना जाता है और इसी को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो औसत शब्द का प्रयोग होता है समांतर माध्य, हर जगह प्रयोग होता है कि औसत उत्पादन कितना हुआ, औसत लाभ कितना है, औसत आय कितनी है, औसत लाभांश कितना है, औसत प्राप्तांक, मतलब हम अपने जीवन में, आप लोग कहते हैं ना कि भाई इस चीज़ का प्रयोग कहाँ है, आप अपने जीवन में हर जगह इसका प्रयोग करते हैं। कहते हैं आपकी इनकम, एवरेज इनकम कितनी है, आपका एवरेज खर्चा कितना है, ये जो एवरेज बट नॉर्मल यूज़ करते हैं, वही सांख्यिकी के शब्दों में माध्य कहलाता है। माध्य शब्द को नॉर्मल भाषा में, बोलचाल में, औसत के नाम से ही जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो कहते क्या है ये समांतर माध्य, किसी श्रेणी के, कोई भी पद हमारे पास दे रखा है, किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों को योग किया जाता है और उनकी संख्या से भाग कर दिया जाता है। मतलब जब हम समांतर माध्य की गणना करेंगे तो फार्मूला यूज़ किया जाता है, श्रेणी के सभी पदों का योग बट्टे श्रेणी के पदों की संख्या। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जहां पर समांतर माध्य को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, बराबर सभी पदों का योग, जो पदों का योग होता है, पदों का योग, योग जो होता है इसको सम्मेशन, और उसका एक निशान यूज़ किया जाता है सम्मेशन का। तो यहाँ पर सभी पद, पदों को लिखा जाता है x से, तो ये हो गया पदों का योग, यानी कि समेशन x, और पदों की संख्या यानी कि n, n का मतलब होता है संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा फार्मूला यूज़ किया जाता है किसके लिए, और यहाँ पर जितने भी पद होते हैं, चाहे पद एक हो, पद दो हो, पद जितने भी देता है उन सभी को याद किया जाता है, मतलब तीन पद है तो इसको तीन से भाग कर देंगे, तो जो निकल के आएगा वही हमारा औसत होता है, उसी को समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया आपका समांतर माध्य के मतलब में। तो सेक्रेस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और अपनी परिभाषा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक समग्र माला के पदों के मूल्य के जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर, मतलब जो भी पद हमारे पास दे रखे हैं उन पदों को जोड़ेंगे
योग करेंगे उस पदों के योग को उन पदों की संख्या से, जो पद हमारे पास है कितनी संख्या में नंबर से भाग कर देंगे। तो वहीं पर प्रोफेसर किंग ने कहा समग्र माला के पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप में यानी कि औसत के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिंपल परिभाषा है, सिंपल कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है सांख्यिकी विश्लेषण में और ये आम जीवन में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। नॉर्मल एवरेज का मतलब जितनी पद है नॉर्मल अगर दे रखा है तो, जैसे जैसे सीरीज हमारा बड़ा होता चला जाएगा, सीरीज अलग अलग टाइप होता चला, उसके लिए थोड़ी नॉलेज की होनी जरूरत है। ये नॉर्मल हमारे पास एक जब संख्या पद दे रखे होते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी दे रखा होता तब आसानी से कैलकुलेट किया सकता है। तो जब समांतर माध्य की बात करते हैं तो समांतर माध्य के दो प्रकार होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। दो प्रकार कौन से, एक होता है सरल समांतर माध्य और एक होता है भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य केवल पदमाला दे रखा है और सभी पदों का एक समान महत्व यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन जब भारित समांतर माध्य की बात करते हैं बेहतरीन अफ्रीकन अर्थमेटिक मीन, जहाँ पर हमारे पास पदों के साथ साथ उस पदों का भार भी दे रखा होता है, हर पद की कितने भार है, हर पद को कितना वेट दे रखा है, कितना महत्व दिया जाना है, इसके बारे में प्रॉपर उल्लेख होता है। मतलब जहाँ पर पद दे रखा होता है पदों का बराबर महत्व होता है, वो होता है सरल समांतर माध्य। लेकिन जब हमारे पास पदों के साथ साथ उसका भार दे रखा होता है, वेट दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, वेट महत्व को बताता है, फ्रीक्वेंसी संख्या को बताता है, फ्रीक्वेंसी सरल में और भारित में भार दे रखा होता है, तब जो दो प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली जब हम सरल समांतर माध्य की गणना की बात करते हैं, ये इसकी गणना हमेशा श्रेणियों के आधार पर की जाती है, श्रेणी यानी कि सीरीज के आधार पर किया जाता है। और हमारे पास अर्थमेटिक मीन या फिर कोई भी सीरीज होता है, जब भी हम समांकों को श्रेणी में बांटते हैं तो हमारे पास तीन प्रकार की श्रेणी निकल के आती हैं, एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है खंडित श्रेणी और एक होता है सतत या अविच्छिन्न या वर्गीकृत या अखंडित श्रेणी, इसके कई नाम हैं। तो जब व्यक्तिगत श्रेणी होती है, जब हमारे पास केवल पदमाला दे रखा होता है यानी केवल पद दे रखे होते हैं यानी कि केवल एक्स दे रखा होता है, पद दे रखे बस। लेकिन जब खंडित श्रेणी की बात करते हैं तब हम पद भी दे रखा होता है, साथ साथ हमारे पास पदों की आवृत्तियां भी दे रखी होती हैं। अंतर खास यह है कि जो पद दे रखे होते हैं वो पद अलग अलग होता है, एक दूसरे से वो अलग होते हैं और हर पद की अपनी आवृत्ति होती है, जहां पर पदों को एक्स के रूप में शो किया जाता है और आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी की एफ के रूप में शो किया जाता है। जबकि सतत श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पद होते हैं, जिसको हम नॉर्मली इंडिविजुअली अलग अलग पदों को नहीं लिख सकते, तब हम पदों का योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम पदों का योग करके उसको समूह बना दिया जाता है और यहाँ पर जो समूह होता है उसको हम सतत श्रेणी यानी क्लास इंटरवल कहते हैं, वर्गांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्गांतर बोलते हैं। और वर्गांतर के साथ साथ उनकी आवृत्ति भी हमारे पास दी हुई होती है, जैसे 0 से 10 तक या 10 से लेके 20 तक साथ साथ उसकी आवृत्ति हमारे पास। तो तीन प्रकार की सीरीज़ हमारे पास होता है और इन तीनों प्रकार की सीरीज़ में अलग अलग तरीके से हमें समांतर माध्य की गणना करती हैं और समांतर माध्य गणना करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग विधियां हैं, मेथड्स है। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहली सीरीज़ के बारे में बताऊँगा, व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जहाँ पर हमें पदों की संख्या दे रखी होती है, क्या दे रखे हैं हमारे पास, केवल पद दे रखे होते हैं यानी कि आइटम्स गिवन होते हैं, मतलब एक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दे रखा है कक्षा 12 में प्राप्तांक हुए हैं, ठीक है, हमारे पास विषय दे रखा है और साथ साथ विषय से जुड़े जुड़े उसके अंक दे रखे हैं, अलग अलग विषय हैं हमारे पास। जैसे हम बात करते हैं लेखा शास्त्र के है हमारे पास, लेखा शास्त्र में दे रखे आए हैं 90 अंक, साथ साथ हमारे पास अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र में मिला है 80 अंक, अंग्रेजी है और अंग्रेजी में मिला है 85 अंक, साथ साथ हमारे पास व्यावसायिक अध्ययन भी है और व्यावसायिक अध्ययन में मिला है 91 अंक, और इसके अलावा हमारे पास एक सब्जेक्ट और लेते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कला भी है यानी कि पेंटिंग है और पेंटिंग में मिला जो है 99 अंक। इसका मतलब होता है इन सभी, ये जो पद दे रखा है केवल, हमारे पास सब्जेक्ट जरूर दे रखा है लेकिन स्पेसिफिक इसके बारे में, ये केवल एक सब्जेक्ट नेम है, सीरियल नंबर हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, पद हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखा हो, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। और व्यक्तिगत श्रेणी में जब भी हम माध्य की गणना करेंगे तो उसकी गणना करने के लिए हमारे पास विधियाँ होती हैं अलग अलग,
नॉर्मली तीन विधियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। कितनी विधियों का प्रयोग करते हैं? दो। दो विधियों में सबसे पहली विधि है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। और यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। और यहाँ पर समेशन एक्स का मतलब होता है पदों का योग, और एक्स का मतलब होता है पदों की संख्या, कितने पद है। जितने पदों का योग करेंगे उससे संख्या से हम भाग कर देंगे। जबकि जो सेकेंड मेथड है, दूसरा मेथड है, उसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का एक और नाम लिखा जा सकता है आपसे लघु विधि के रूप में भी, इसको जानते हैं शॉर्टकट मेथड। जब हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं मीन बराबर ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पर जो ए होता है, ये होता है कल्पित माध्य। क्या होता है? कल्पित माध्य मतलब जो भी हमारे पास पद रखे हैं उसमें से एक अनुमान लेते हैं, एक मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं ये पद होगा, बीच का ले लेते हैं बेसिकली। और जैसे कल्पित माध्य होता है उसके बाद हम डी एक्स निकालते हैं। और यहाँ पर डी एक्स निकाल, डी का मतलब डेविएशन होता है, उसका फार्मूला होता है एक्स माइनस ए, पदों में से जो कल्पित माध्य हमने माना है उसको घटा देते हैं, उसके बाद जो निकल के आता है उसको होता है डी एक्स। कैसे होगा, किस तरह से प्रयोग करते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, बस बने रहना है मेरे साथ। जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो। कुछ बच्चे लगातार पूछते हैं सर लाइव क्लास कब से, बहुत ही जल्दी, बस दो तीन चीज़ें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को जैसे दूर कर लेता हूँ लाइव क्लास भी आपके लिए मैं शुरू करूँगा। चलिए एग्जाम्पल का सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है व्यक्तिगत श्रेणी का, नीचे 10 विद्यार्थियों की संख्या, सांख्यिकी में प्राप्त अंक दिए हुए हैं, 10 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी में कितना नंबर मिला वो दिया रखा है, और हमसे कहा गया है समांतर माध्य की गणना कीजिए। और समांतर माध्य की गणना करनी है तो कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन में अगर जो विधि लिखा होता है उसी का प्रयोग करेंगे, और जो विधि नहीं लिखा हुआ कम नंबर में है तो प्रत्यक्ष, ज़्यादा नंबर में तो दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जब भी फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला आपके पास होना चाहिए, दैट्स मीन इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन, ये विधि है। इसका मतलब हम एक्स का योग करेंगे, पदों का योग करेंगे। पद हमारे पास कितने हैं यहाँ पर है, तो सिंपल है, पदों का योग यानी कि ये हो जाएगा 30 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 40 बटे कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 से क्या कर देना है भाग। अब क्या करना है पता है ना, अब इन सभी पदों को आपस में जोड़िए, जोड़ेंगे देखिए कितना होता है, ये होगा 0 8 8 5 13 13 और 6 19 19 और 6 26 26 और 5 31 31 और 6 37 37 और 3 40 40 का 0 हासिल कितना हो गया 4। आगे जोड़ेंगे 4 और 3 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 3 20 20 2 22 22 2 24 24 और 2 26 26 और 4 30 तो ये हो गया 300। 300 को भाग कर देंगे किससे, 10 से। 300 को 10 से भाग कर देंगे, आंसर कितना आया 30। ये जो 30 आया है, इस 30 यही 30 हमारा क्या है, आंसर है, और यही हमारा समांतर माध्य है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। हर क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उस डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि, लेकिन क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों की संख्या सांख्यिकी में अंक दे रखा है, सेम क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है लघु विधि यानी कि कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि जो है प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा बड़ा होता है, स्टेप ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहला काम यह है कि जो भी हमारे पास प्राप्तांक दे रखे हैं, जो अंक दे रखे, उन अंकों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में, दैट मीन्स बढ़ते या घटते क्रम में। तो जो बढ़ते और घटते क्रम में अरेंज करना, सबसे पहले उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा लघु विधि का फार्मूला क्या है। हमारा फार्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, इस विधि का प्रयोग करेंगे। हमें डी चाहिए ए चाहिए, लेकिन वो सब करेंगे, हमारे पास जो पद दे रखा है उसको हम सीरियल से लगाएंगे। हमारे पास 10 पद दे रखा है, सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और उसके बाद इसको आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे, आपकी मर्जी है। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए बेटर है कि उसको आरोही क्रम में अरेंज कर लिया जाए, यानी कि सबसे जो छोटा पद है उसको ढूंढेंगे, और यहाँ पर सबसे छोटा पद जो है कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे हम 20। लिखने के बाद हमारा पास क्या आता है, 20 के बाद हमारे पास आ रहा है 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे। 23 के बाद क्या आता है, 23, 24, 25, 26 नहीं है, तो 26 हमारे पास दो बार है, तो 26 लिख देंगे, ये हो गया 26, फिर हो गया 26, 26 के बाद हो रहा है हमारे पास 28, 28 के बाद दे रखा है 28, 29, 30, यानी कि दे रखा है 30, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 35 हमारे पास यहाँ पर दो बार है, तो 35 को दो बार लिख दीजिए, ठीक है। 35 के बाद हमारे पास कितना दे रखा है, 35 के बाद दे रखा है 37, ये हो गया 37, और लास्ट में दे रखा है 40। तो ये हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मैंने अभी कहा था कि ये जो डी होता है, ए होता है, इसका मतलब होता है कल्पित, क्या होता है, कल्पित माध्य, यानी कि कल्पना करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, जो पद हमारे पास दे रखे हैं एक्स, 10 पद है, इसके बीच में पाँचवा आता है, कौन सा आता है, पाँचवा, 28। आप अपने इजीनेस को बढ़ाने के लिए आप किसी को भी ले सकते हैं, 20, 23, 26, 26, 28, 30, 35, तो 28 ले लेंगे हम। हम मानते हैं कि यहाँ पर ए कितना है, ए बराबर हो गया 28, ठीक है, हमने 28 ले लिया। अब इस 28 को, अब 28 को सबसे माइनस कर देंगे, 20 में से 28 को माइनस, क्योंकि एक्स माइनस ए है, तो 20 में से 28, छोटे से बड़ा माइनस होता है तो आंसर आता है माइनस में, तो 20 में से 28 माइनस करेंगे, माइनस का 8, 23 में से 28 माइनस कर देंगे, माइनस का 5, 26 में से 28 माइनस करेंगे, माइनस का 2, 26 में से 30 माइनस कर देंगे, ये हो गया माइनस का 2, 28 से 28 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0। आगे कैलकुलेट करेंगे, 30 में से 28 माइनस कर देंगे 2, 35 में से 28 माइनस कर देंगे 7, 35 में से 28 माइनस कर देंगे यहाँ पर भी आएगा 7, 37 में से 28 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9, और 40 में से 28 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। हो गया। अब हमें चाहिए समेशन डीएक्स। समेशन डीएक्स का मतलब होता है डीएक्स जो भी हमारे पास आया डेविएशन, उसका जोड़। तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ जो आएगा ये माइनस का है और ये तीनों प्लस, चारों प्लस के हैं, तो माइनस का जोड़ेंगे, 8, 5, 13, 2, 15 और 2, 17, ये हो गया माइनस का 17। अगर टोटल में कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होता है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ह्यूमन एरर है, हो सकता है क्योंकि लाइव कर रहा हूँ तो जल्द हो सकता है मे बी पॉसिबल गलत हो जाए, तो फिर भी होता है तो बता दीजिए, कोशिश करूँगा ना हो, अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हो गया 2, 8, 7, 9, 9, 7, 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 और ये 2 हो गया 27 और 10 होता है 37, ये हो गया 37 प्लस का, तो ये माइनस का, ये प्लस का, 37 में 17 गया, बचेगा कितना 20। ये जो 20 आया इसको बोलेंगे हम समेसन डी एक्स, यानी कि हमने टोटल कर लिया, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब हमारे पास देखिए ए दे रखा है, ये समेशन डी एक्स हमने अपने निकाला कितना हो जाएगा 20, और हाँ एन तो पहले से ही पता है कितना है 10। ये जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को अब इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मीन बराबर कितना है ए, ए है हमारे पास 28 प्लस डी एक्स कितना है 20 बटे एन कितना है 10। हो गया। अब तो इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे ना आप, इससे ज़्यादा इजी मेथड नहीं हो सकता। तो ये हो गया 10 से 2, 20 को भाग कर देंगे ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो हो गया 30। और सेम क्वेश्चन को पहले मेथड से हमने कराया था तब भी आंसर आया था सेम 30, और यहाँ पर भी आया 30, मतलब एक ही क्वेश्चन को जितने भी मेथड से करेंगे हर मेथड से एक ही आंसर आएगा, एक जैसा ही आंसर आएगा, क्योंकि मेथड बड़ा भले हुआ है लेकिन आंसर बदलेगा नहीं। तो समझ में आ गया, कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार के मुझे ज़रूर बताएगा, मुझे अपने कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कोई भी डाउट होता है मैं सोचूंगा वो कि कहीं ना कहीं आपको वो सुलझाना चाहिए उस डाउट को, और मैं उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा लगातार। मैं आपको बताता हूं, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।